वेलकम टू द चैनल द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक रीडिंग जो बहुत ही डिफरेंट है, बट आपके जोडियक से रिलेटेड है। यहाँ पे जोडियक रीडिंग मैं करूँगी फॉर नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिनों के लिए। आपका दिन कैसे जाने वाले हैं, ये दिसंबर के महीने के अगले 15 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं, मैं ये प्रिडिक्ट करूँगी। साथ ही गाइस, मैं आप लोगों की एनर्जीज़ भी चेक करूँगी। बट एक चीज़ जो डिफरेंट है ये सारी रीडिंग्स में, वो ये है कि मैं आपका एलिमेंट देखूँगी। एलिमेंट से मेरा मतलब है कि आप फायर साइन हैं, वाटर साइन हैं या एयर साइन हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी रीडिंग करूँगी। ओके गाइस, तो अब मैं आपसे करती हूँ इजाज़त लेती हूँ ताकि देख पाऊँ। आज की हमारी जो पहली रीडिंग है वो है फायर साइन के लिए। फायर साइन में गाइज इंक्लूड होते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उन सब की कलेक्टिव की कैसा जाने वाला है अगले 15 दिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस वाले लोगों के लिए। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक गाइस हमारा है एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फायर साइंस के लिए बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। आइए देखते हैं आपके अगले 15 दिन कैसे जाने वाले हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, सेवन ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, High Priestess, Ten of Pentacles, Three of Cups, The Devil, The World, The Tower in Reverse, Queen of Cups, and last the Wheel of Fortune. Guys, अगर मैं फायर साइंस के बारे में बात करूं, आप लोगों का तो मेरे को ऐसा लग रहा है सारे मेजर आर्कानास जो होते हैं डेक में, वो सारे आप ही के पास आ गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से, जो कि हमारा थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का एक सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशन मे बी फाइनेंसिस को रिलेटेड है। मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है फायर साइंस वालों को अगले 15 दिनों में काफ़ी फाइनेंशियली बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, फाइनेंशियली आप अबंडेंट होने वाले हैं। मैं कहूँ काफ़ी अबंडेंट आप लग रहे हैं मेरे को। एंड कुछ लोग ये सोच रहे थे कि एक नई नींव खड़ी करना फाइनेंशियली या किसी रिश्ते की, तो अभी वो सही वक्त नहीं है अगले 15 दिनों के लिए। एनर्जीज गाइस चेंज होती हैं और ये जेंडरलेस रीडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी एनर्जी स्विच कर लीजिएगा। काफ़ी लोग मेहनत भी कर रहे हैं, बट मैं आपको ये बोलूं कि 15वें दिन के आसपास, मतलब 13-14 दिन के जो दरमियान, जो आपका 13th, 14th और 15th डे होगा, वहाँ पे मेरे को आपकी मेहनत का फल रंग लाते हुए आ रहा है नज़र। आप लोगों के लिए मैं सलाह दूंगी कि गाइस थोड़ा लॉजिकल हो जाइए। फायर साइंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोग थोड़ा लॉजिकल होके डिसीजन लीजिएगा, मतलब एक बैलेंस बना के। अगर आप इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बना देंगे तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। टेन ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली मैं आपको ये कह सकती हूँ अबंडेंट, बहुत अबंडेंट नज़र आ रहे हैं मुझको फाइनेंशियली। या तो आपको कोई जॉब मिलते हुए नज़र आ रही है, या आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है आपको। थ्री ऑफ कप्स गाइज, हमारे पास थ्री ऑफ कप्स भी आ रहा है, अगेन अ सेलिब्रेशन कार्ड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। बट कुछ लोगों के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनको पता लगने वाला है कि जिनको वो पसंद करते हैं कुछ, उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है। द डेविल से मेरे को अगले 15 दिन में आप लोग ये नज़र आ रहे हैं, या तो आपको किसी टाइप की जो एडिक्शन है वो और बढ़ती हुई नज़र आ रही है किसी टेंशन के कारण, या आप लोग किसी से इन्फ्लुएंस होते हुए मेरे को काफ़ी नज़र आ रहे हैं। सो गाइज प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। एंड जो लोग कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन में है, मुझे पता नहीं क्यों किसी साइकिल का एंड होते हुए नज़र आ रहा है, कोई नेगेटिव पैटर्न का एंड होते हुए नज़र आ रहा है और एक
पॉजिटिव साइकिल की शुरुआत होते हुए, मतलब इट्स एन एंडिंग एंड द बिगनिंग एट द सेम टाइम। द टावर इन रिवर्स, काफ़ी लोग जो चेंज को रोक रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। सो गाइस, आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप अपने उस चीज़ को ना रोकिए, क्योंकि वो चेंज आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आएगा। काफ़ी लोग, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मोस्टली गर्ल्स इन दिस रीडिंग हु आर ऑफ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो किसी का इंतज़ार कर रही हैं लव के सिचुएशन में, इंतज़ार करती हुई नज़र आ रही हैं। सो गाइस, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि अगले 15 डेज में आप लोगों को उनका मैसेज, मेरे को लग रहा है, आ जाएगा। एंड काफ़ी लोग, जैसे कि मैंने आपको बोला, फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हैं, तो उस अबंडेंस के लिए गाइस आप ही को ही क्रेडिट जाएगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत भी करने वाले हैं उस अबंडेंस के लिए। आइए देखते हैं ये 15 दिन में आपकी एनर्जीज क्या होंगी। ओके, हमारे पास काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं फायर साइंस के लिए। आपका पहला कार्ड है जर्नी। डेफिनेटली मैंने आपको बोला, वर्ल्ड का कार्ड भी है हमारे पास, तो कोई जर्नी है जो पॉजिटिव जर्नी है। 7 चक्र आर्क एंजल माइकल। गाइज, आप अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा जहाँ पे आप स्टक हो। ऑल टाइड अप, आपने थॉट प्रोसेस में काफ़ी टाइड अप रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपके एक्शंस डिले हो सकते हैं, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा। कोई नेगेटिव पैटर्न को एंटर मत करने दीजिएगा अपनी थॉट्स में। केयरिंग कनेक्शन, डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्यार के मामले में जो लोग वेट कर रहे हैं किसी का मैसेज का या कुछ, और डेफिनेटली पॉजिटिव साइन है कि वो मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। एंड एक्शन गाइस, एक्शन का कार्ड आया है। एक्शन का मैं आपको साफ साफ ये बता दूं कि सोच तो आपके पार्टनर या आप बहुत रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं किसी मजबूरी के कारण। ये ब्लैक हॉर्स यही दिखा रहा है कि एक्शन तो आप अभी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वाइट हॉर्स मेरे को ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके थॉट्स तो भाग रहे हैं। एंड डिसीट, जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारे पास डेविल का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली आपको कोई धोखा दे सकता है, अपनी बातों में इन्फ्लुएंस करके आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो फायर साइंस, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूँ फायर साइंस के लकी कलर और लकी नंबर की, तो लकी कलर गाइज आपका होने वाला है येलो एंड रेड फॉर ऑल फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड लकी नंबर गाइज आपको, आप लोगों के लिए होने वाला है नंबर 21, 10, स्पेशली 10, 21, 3 एंड 2। ओके, 10, 21, 3 एंड 2। ओके गाइज, तो ये थी रीडिंग फायर साइन के लोगों के लिए जो कि हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मैं और रीडिंग्स देकर आऊँगी आप सबके लिए। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, गाइस जिन्होंने भी जो एयर साइन है हमारे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आइए देखते हैं आप लोगों का अगले 15 दिन, ये दिसंबर के साल के आखिरी महीना कैसा जाने वाला है। ओके गाइस, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। एयर साइन के लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है हैरोफांट। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सो एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आइए देखते हैं आपके अगले 15 दिन कैसे जाने वाले हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जस्टिस इन रिवर्स, द स्टार इन रिवर्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स,
सेवन ऑफ कप्स, द चारियट, द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक तो मैंने आपको बता ही दिया, हैरोफैन। सो एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मेरे को आपके यहाँ पे दो सिनेरियोस नज़र आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी मैं ये रीडिंग आपको बताऊँगी क्या सिनेरियो है। सिनेरियो नंबर वन गाइस, मैं बात करूँ पहले तो मैं आपको फाइनेंशियली बताती हूँ कि कैसा जाने वाला है। गाइस फाइनेंशियली आप अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे को, अपनी फैमिली लाइफ कह दूँ या प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ, मतलब आपका एक साइड पे तो फाइनेंशियल लाइफ है ही है, साथ में आपकी इमोशनल लाइफ है, लव लाइफ है या फैमिली कहूँ, उसको आप बैलेंस करते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं। आपका सारा फोकस ये 15 दिनों में दिसंबर के अपने फाइनेंसेस पे ही रहने वाला है। एंड अब आइए बात करते हैं लव सिचुएशन की। लव सिचुएशन में गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला, एंड गाइस फाइनेंशियली एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोगों के लिए तो मेरे को फाइनेंशियल वरीज़ ख़त्म ही होते हुए नज़र आ रही हैं। अब आती है लव लाइफ की बारी। गाइस लव लाइफ में ना मेरे को आपके दो सिनारियोज नज़र आ रहे हैं। सिनारियो नंबर वन ये है कि आप बहुत बोल्डली जो आप फीलिंग्स छुपा के बैठे हुए थे, आप बहुत बोल्डली अपने आप से लड़के, अपने थॉट से लड़के उस इंसान के पास जाएंगे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। डेफिनेटली आप एक्सप्रेस करने वाले हैं उस इंसान को, एंड आई डोंट नो वाई बट ये मेरे को कोई जो आपके पर्सन हैं फायर साइन में से लग रहे हैं। मे बी कोई हो सकते हैं जिनका जोडियक एरीज लियो या सैजिटेरियस हो, तो डेफिनेटली आप मेरे को अपनी फीलिंग्स का जो डीप डाउन फीलिंग्स थी जो आपने छुपा रखी थी उस इंसान से, वो एक्सप्रेस करते हुए, वो जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड गाइस दूसरा सिनेरियो ये है लव लाइफ का कि आप अपने फीलिंग्स से लड़के, जो आप उस इंसान के बारे में फील करते हैं उससे लड़के, उस इंसान के साथ जस्टिस ना करते हुए और अपने साथ भी जस्टिस ना करते हुए जो फीलिंग्स को आप दबा के रख रहे थे आप उसको और दबाएंगे, क्योंकि हमारे पास जस्टिस इन रिवर्स आया है, वो नाइंसाफ़ी आप अपने साथ भी करेंगे और उस इंसान के साथ भी करेंगे। डेफिनेटली जो इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में नहीं हुआ था, आगे भी वो आप कुछ लोग मेरे को कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, और परेशान तो आप रहेंगे उस वजह से, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को इतना दबा के बैठे हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। एंड गाइस वो तो हम कहते ही हैं नॉर्मली भी कि अगर आपकी जितना छुपाओ, बट वो छुपता नहीं है, चाहे वो प्यार हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो छुपता नहीं है। फीलिंग्स तो डेफिनेटली नहीं छुपती हैं, तो वो तो सामने आएंगी आएंगी, बट मुझे ना आप कुछ इन्फ्लुएंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड है, या तो आपके किसी फैमिली के मेंबर की वजह से, या फिर आपके किसी कोई फ्रेंड सर्कल में कोई है जो आपको गुमराह कर रहा है। उस इंसान के बारे में अगर आप पता करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है, क्या नहीं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रही, तो आपको जो आपका मीडियम है आपको बताने वाला, वो या तो आपको गुमराह कर रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल में से कोई, आपका कोई अपना जिस पर आप विश्वास करते हैं, वो डेफिनेटली आपसे जेलस है और वो नहीं चाहता कि आप अपने उस मुकाम पर पहुँचें। सेवन ऑफ कप्स में को ये बता रहे हैं, तो आपके पास काफ़ी ऑफर्स आने वाले हैं लव से रिलेटेड, कुड बी डेटिंग, ओके। एंड चैरियट मेरे को ये बता रहा है कि आगे बढ़ते हुए समय के साथ आपको पता लग जाएगा सच और झूठ में क्या अंतर है, क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, ओके। चैरियट मेरे को ये बता रहा है कि आपके ऊपर भगवान जी की कृपा है, एंजल्स आर ब्लेसिंग यू, और आपको दूध का दूध और पानी का पानी, जिसको मैं बोलती हूँ, आपको सच्चाई का पता लगेगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपका फ़ायदा उठा रहा था और कौन जेन्युइनली आपका साथ दे रहा था। एंड डेफिनेटली वो टावर मोमेंट 15वें दिन में मेरे को नज़र आ रहा है कि 15th डे पे आपका वो टावर मोमेंट आएगा। यू विल बी शैटर्ड एंड हैप्पी, शैटर्ड बिकॉज आपने उस इंसान को इतना गलत समझा, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड। गाइज मैं बोल रही हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रही हैं, एनर्जीज आ रही हैं कि ये लव लाइफ से रिलेटेड है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू।
एंड फाइनेंशियली बहुत कम लोगों से टावर मोमेंट रेजोनेट करेगा, बट लव लाइफ से डेफिनेटली रेजोनेट करता हुआ नज़र आ रहा है कि आप बहुत गिल्टी महसूस करने वाले हैं कि आपने उस इंसान का साथ छोड़ दिया जो एक्चुअली आपका शुभचिंतक था या शुभचिंतक थी, जो आपकी वेलविशर थी, आपने उस इंसान का साथ छोड़ के गलत लोगों के साथ आगे बढ़े अपनी लाइफ में। एंड हैरोफेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था, बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली एक काफ़ी लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए मैं ट्विन फ्लेम भी कहूँगी। आपको एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं, भगवान जी की आपको पूरी कृपा है, आप दोनों ब्लेस्ड हैं, आपको साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा उस इंसान का, देर सवेर से ही आप दोनों ने साथ रहना ही रहना है। ओके गाइस, आइए बात करते हैं आप लोगों की एनर्जीज़ की। बट एनर्जीज से पहले मैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मैं आपको पहले बता दूं आपका लकी कलर और लकी नंबर। गाइस, एयर साइन के लिए जो एरीज लियो, सॉरी नॉट एरीज लियो सैजिटेरियस, बट एयर साइन जो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, उनके लिए मेरे को लकी कलर लग रहा है, लकी कलर इज़ येलो, डेफिनेटली येलो। एंड लकी नंबर आपका होने वाला है 1 एंड 6। ओके, 1 एंड 6 आपका लकी कलर होने वाला है। आइए देखते हैं ये सब, ये 15 दिन आपके कैसे, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, वी हैव आर कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है रेस्ट एंड रेजेनुएशन। रेस्ट एंड रेजेनुएशन ये बता रहा है कि डेफिनेटली जो लव लाइफ में जो लोग आप लोगों ने गलत डिसीजन आगे लिए हैं और अब आप लेने का सोच रहे हैं, तो गाइस प्लीज़ थोड़ा अपना रेस्ट ले लीजिए, दिमाग को शांत कीजिए। आपकी ओवर थिंकिंग ने और आपके आसपास के लोगों ने आपकी लव लाइफ को लिटरली, मैं कहूँ, धज्जियाँ उड़ा दी हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के साथ। तो प्लीज़ उसको ख़त्म करने के लिए उन सबको साइड रख के एक नई विज़न, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, एक नई विज़न से, एक नए पर्सपेक्टिव से आप उसको देखें, तो डेफिनेटली आपको सच पता लगेगा। ओके गाइस, ये आप लोगों के लिए सलाह है, प्लीज़ ये मानिएगा, बिकॉज़ टावर मोमेंट तो अल्टीमेटली फिर आपकी लाइफ में आ ही जाएगा। अगर आप अब नहीं सुधरे तो टावर मोमेंट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा पेनफुल होगा, अगर आप पहले सुधर जाएं तो बहुत अच्छा है। देन वी हैव 4th चक्रा, आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल रेफेल, सॉरी, मैन होल्डिंग अ हार्ट। डेफिनेटली आप, मैंने आपको क्या बोला था कि कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा के बैठे हैं और सामने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कांटेक्ट करेगा या करेगी। मैं आपको स्पेशली एयर साइन को बता दूं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस को, कि गाइस अगर आपने हर्ट करा है उस इंसान को, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर आपने कुछ ऐसा बोला है तो पहले आप क्यों नहीं शुरुआत कर लेते? प्यार है तो ईगो क्यों है? फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसको पहले सॉरी बोलेगा या कौन किसको बाद में सॉरी बोलेगा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइस अगर अपने रिलेशनशिप को आप लोगों ने बचाना है, उस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हो कि वो रहे, वो आपके लिए, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे टीम प्लेयर भी हो, अगर आप इकट्ठे हो ना तो वो 1 और 1 11 वाली सिचुएशन हो जाती है आप लोगों के लिए, फिर आप लोगों को, आप लोगों की जोड़ी को भी कोई डिफीट नहीं कर सकता। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे एनर्जीज आ रही हैं। सो गाइज, ऐसे इंसान को कभी नहीं जाने देना चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है। 4th चक्रा आर्क एंजल रेफेल मेरे को ये बोल रही हैं कि बहुत काम कर लिया आपने अपने दिमाग से। वैसे भी आप लोग लॉजिकल हैं, एयर साइन है तो लॉजिकल तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इमोशनल बहुत कम होते हैं, बट आपके लिए ये सलाह है कि अब अपनी एनर्जीज को ना अपने दिमाग से हटा के दिल से सोचें। ओके, अपने दिल पे फोकस करें, जो आपका दिल जेन्युइनली चाहता है, फिर भले ही वो इंसान को वापस लाना हो या उसको सॉरी बोलना हो, तो प्लीज़ कीजिए एंड सेव योर रिलेशनशिप। ओके गाइस, सो ये थी एयर साइंस की रीडिंग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा ये चैनल। मैं आऊँगी आप लोगों के लिए और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ही गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए अगले 15 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं अर्थ साइंस के लिए। अर्थ साइंस मतलब टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा जाने वाला है
अगले 15 दिन दिसंबर के, जो कि है साल का आखिरी महीना 2020 का। आइए देखते हैं आप लोगों का ये 15 दिन कैसे जाने वाले हैं। ओके, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। अर्थ साइंस के लिए बॉटम ऑफ द डेक गाइस है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं इसका भी मतलब बताऊंगी आपको, बट पहले देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारा पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द डेविल, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, द फूल इन रिवर्स, 9 ऑफ वॉन्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइज, अगर मैं अर्थ साइंस के बारे में बात करूँ तो जो कि हैं हमारे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों को तो किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे थे। अब वो स्ट्रगल कोई डिसीजन को लेके था, या वो मेरे को स्पेशली पता नहीं क्यों, कोई होमली मैटर से रिलेटेड, कोई घर के काम से रिलेटेड या घर के किसी इंसान से रिलेटेड कोई एक डिसीजन लेना था, जो आप अपने थॉट्स में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, बट आप सक्सेसफुल हुए हैं। मतलब बेसिकली होम और फाइनेंसेस से रिलेटेड। 4 ऑफ कप्स में को ये बता रहा है कुछ लोगों के लिए जॉब ऑफर आया है और कुछ लोगों के लिए लव प्रपोजल भी आया है, लेकिन आप लोग उन दोनों चीज़ों को इग्नोर करते हुए आप अपने फेलियर्स की तरफ फोकस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड अर्थ साइंस, वेरी बैड, यू शुड नॉट डू दैट। डेविल में को ये भी बता रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बोला, वो फेलियर्स पे जो आप फोकस कर रहे हैं, आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और कुछ अर्थ साइन के लोगों के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई शादी की बात पक्की हो सकती है आप लोगों के लिए, या फिर ये कहूँ मैरिज प्रपोज़ल, अरेंज मैरिज का प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला, शादी पक्की होती हुई नज़र आ रही है, सेलिब्रेशंस आ रही हैं आपकी लाइफ में। एंड पेज ऑफ वॉन्स में को ये बता रहा है कि आफ्टर ऑल द स्ट्रगल्स दैट यू हैव गॉन थ्रू इन ऑल दिस ईयर, आप एक किंग की तरह, एक वो राजा होता है ना, सारी जंग लड़ के अपना प्राउडली उठकर, उन मुसीबतों से उठकर वो आता है, तो आप बिल्कुल मेरे को वही एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स डेफिनेटली कुछ लोग ऑफर ठुकराते हुए भी नज़र आ रहे हैं, किसी लव का या जॉब का। 5 ऑफ वॉन्स इन रिवर्स ये भी बता रहा है कि जो लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई फैमिली इशू, या कुछ लोग जो ये सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, तो वो सारे थॉट पैटर्न्स आपके ख़त्म होते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं। द फूल इन रिवर्स में को ये नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा डर रहे हैं आगे स्टेप लेने से। ओके, वो जो एक लीप ऑफ फेथ जिसको हम बोलते हैं कि जो लेना ज़रूरी होता है लाइफ के कोई भी डिसीजन के लिए, वो आप उससे पीछे हट रहे हैं, आपको डर लग रहा है। 9 ऑफ वॉन्स भी मेरे को यही कह रहा है कि डेफिनेटली गाइज, ये को रिलेटेड कार्ड्स हैं। अगर आप देखें, ये इंसान उस अपने गोल को या वो जो चीज़ वो चाहता है उसको तरसी भी निगाहों से तो ज़रूर देख रहा है, लेकिन वो फेथ नहीं लेना चाहता, वो अपने आप पर भी नहीं लेना चाहता, वो भगवान पर भी नहीं फेथ लेना चाहता कि आगे क्या होगा। तो गाइज, लैक ऑफ फेथ है आपके उसमें, फेथ की बहुत कमी है, विश्वास बहुत कम कर रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट मेरे को ये भी बता रहा है कि एंड में वो होता है ना, अंत भला तो सब भला जो हम कहते हैं, तो डेफिनेटली वो होने वाला है। वो जो एक वो होता है चर्बी वाटर्स जिसको हम बोलते हैं, एक
लहरों से भरा हुआ, लहरें हमारी ऊपर नीचे अप डाउन होती हैं, तो वो लहरों से निकल के आप स्मूथ वाटर्स की तरफ, देखिए स्मूथ वाटर्स की तरफ आप जाते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, आप जैसे ही अपना पॉजिटिविटी रखेंगे ना, वो स्मूथ वाटर्स की तरफ जाएंगे, लोग आपसे जेलस होने वाले हैं, क्योंकि वो तो आपको देखना ही चाहते थे डिफ़ीटेड, लेकिन आपने डिफ़ीट ना करते हुए आपने पॉजिटिव पैटर्न को चुना, तो वो जो एक नेगेटिव लोग थे वो आपको देखेंगे और आपसे जेलस होंगे। ओके गाइज, सो ऐसे जाने वाले हैं अर्थ साइंस के नेक्स्ट 15 डेज़। एंड गाइज हेल्थ आपकी थोड़ी इफ़ेक्ट हो सकती है डेफिनेटली, आपके थॉट पैटर्न से, ओवर थिंकिंग से डेफिनेटली मेरे को हेल्थ थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट होते हुए नज़र आ रही है। ओवरऑल फैमिली का माहौल भी इसी वजह से आपका थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, अदरवाइज इट्स अ हैप्पी फैमिली। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर नेक्स्ट 15 डेज गाइज। एंड आइए बात करते हैं आप लोगों के लकी कलर और लकी नंबर की। सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए लकी नंबर होने वाला है 3। ओके, लकी नंबर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो हमारे अर्थ साइंस हैं उनके लिए होने वाला है 3। नंबर 3 आपके लिए लकी है। एंड लकी कलर फॉर नेक्स्ट 15 डेज विल बी स्काई ब्लू। ओके, आइए देखते हैं अगले 15 दिन आपकी एनर्जीज क्या होंगी। सो हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। हमारा पहला कार्ड आया था गाइस अटैचमेंट। अटैचमेंट मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको अपने नेगेटिव पैटर्न से जो आप अटैच्ड हैं वो आपको डिटैच होना होगा। ओके गाइस, नेगेटिव पैटर्न से अगर आप डिटैच होंगे तो डेफिनेटली सक्सेस विल बी योर्स। आइए देखते हैं अगले नेक्स्ट कार्ड्स हमारे क्या है। हैप्पी फैमिली, डेफिनेटली फैमिली इशू मेरे को लग रहा है, और वो भी सिर्फ इसी वजह से, आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से जो अटैच्ड हैं आपसे। सो अगर आप वो उसको हटा देंगे तो योर रिजल्ट वुड बी अ हैप्पी फैमिली। नेक्स्ट कार्ड है हमारा एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, मैंने आपको बोला ही है कुछ लोग अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से अपने फेलियर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो वो ना करते हुए आपको हिम्मत जुटानी है और सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज हमारे पास हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। पेशेंस गाइस, पेशेंस हिम्मत और सब्र, वो तो सभी कहते हैं कि हिम्मत और सब्र रखना रखना ही होता है इंसान को, तो प्लीज़ आप ये चीज़ करिए, अपनी सब्र और हिम्मत रखिए, या आप एज अ सजेशन लीजिए, आप एज अ वो करिए कि आपको ये लागू करना है अगले 15 दिन में। तो डेफिनेटली गाइज अगर आप ये फॉलो करेंगे तो देयर वुड बी एक हैप्पीनेस का माहौल होगा, एक खुशनुमा माहौल होगा आपकी फैमिली में भी, आपके सराउंडिंग्स में भी, एनवायरनमेंट में भी, आपके कलीग्स, वर्क, ऑफिस प्लेस, लव लाइफ, एवरीथिंग बहुत अच्छी जाएगी। बस आपको अपने नेगेटिव पैटर्न से हटना है, एंड दैट इज़ योर सजेशन फॉर द वीक, नॉट फॉर द वीक, सॉरी फॉर नेक्स्ट 15 डेज। ओके गाइज, सो ये थी अर्थ साइंस की रीडिंग। गाइज अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए और नई रीडिंग। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइज, सो नेक्स्ट 15 डेज के लिए वाटर साइंस का क्या होने वाला है, अगले 15 दिनों में उनकी लाइफ में क्या होने वाला है वाटर साइंस के लिए। वाटर साइंस का मतलब हमारे 3 जोडियक्स जो कि हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के लिए ये साल का आखिरी महीने के 15 दिन कैसे जाने वाले हैं, आइए देखते हैं।
ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं वाटर साइंस के लिए। आइए देखते हैं क्या आया है वाटर साइंस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द हैरोफेंट। देखते हैं आगे के कार्ड्स हमारे क्या कहते हैं वाटर साइंस के लिए। सो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया था, हमारा पहला कार्ड आया था एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर इन रिवर्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है हैरोफेंट। सो काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज हैं फॉर ऑल द साइंस हु बिलोंग्स टू जोडियक साइंस हु बिलोंग्स टू वाटर एलिमेंट, दैट इज कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूँगी कि जो लोग किसी टाइप के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, अब वो कम्युनिकेशन आपका जॉब ऑफर हो सकता है, आपका कहूँ कि लव से रिलेटेड, अगर आप कुछ लोगों के लिए मेरे को काफ़ी लग रहा है कि लव से रिलेटेड आप लोग किसी का इंतज़ार कर रहे थे, स्पेशली जॉब फॉर लाइक अराउंड 70% पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो फॉर वाटर साइन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग किसी टाइप के जॉब ऑफर का वेट कर रहे थे, किसी मनी फाइनेंशियली मॉनेटरी वाइज किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो वो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन आते हुए नज़र आ रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। पेज ऑफ वॉन्स गाइस मेरे को ये बता रहा है कि आप अपने अंदर ही अंदर, काफ़ी लोग मेरे को ऐसा लग रहा है वो अपनी लाइफ में स्टक थे, बट वो अंदर ही अंदर वो जंग लड़ते लड़ते अब वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी सिचुएशन से उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, हर हर्डल को हर मुश्किलातों को पार करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेन ऑफ कप्स डेफिनेटली अ हैप्पी फैमिली। सो मैरिड कपल्स अगर कुछ सोच रहे हैं बेबी प्लान करने का, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड टाइम, सो गो अहेड। एंड जो लोग अपनी फैमिली वैसे स्टार्ट करने का सोच रहे हैं एज इन मैरिज का, तो इट्स अगेन अ गुड साइन, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली थोड़ा डेफिनेटली मैंने आपको बोला आप लोग फाइनेंसेस में किसी का वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का, तो फाइनेंसेस थोड़े आपके अप डाउन हो सकते हैं ये 15 दिनों में, एंड आपका फोकस थोड़ा सा फाइनेंस की तरफ जा सकता है क्योंकि फाइनेंसेस डगमगाते हुए मेरे को नज़र आ रहे हैं। द एम्परर इन रिवर्स, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को तो ब्रेकअप हो रहा है एंड कुछ लोगों के फादर की तबीयत हो सकता है ख़राब हो। बट स्ट्रेंथ कार्ड मेरे को ये भी बता रहा है, आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आपको हिम्मत बना के रखनी है, कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी टाइप का मुश्किलात हो, आपको अपने आप को हिम्मत जुटा के रखनी है आपने, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद आपके पास है। काफ़ी लोगों के लिए तो मेरे को ये लग रहा है कि आप लोग ना सही और गलत में फ़र्क ही नहीं पहचान पा रहे, आप बहुत कोशिश भी कर रहे हैं मैं कहूँ, बट आपका एक तरीके का सेट पैटर्न है सोचने का और आप उससे हट ही नहीं पा रहे हो। सो गाइस वो सजेशन प्लीज़ आप करें, अगर आपका फ्रेंड आपको कोई सजेशन देता है तो प्लीज़ उसको सुने, बट अंधाधुन होकर विश्वास ना करें। अगर आपको अगर किसी ने पहले धोखा दिया और अभी भी वो आपके पास आ रहा है, तो प्लीज़ उस इंसान से बचें और उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दें। आप अपने गार्ड्स तो अप करके बैठे हैं, बट फिर भी वो इंसान आपकी टेरिटरी में आके आपको हार्म पहुंचा देता है, इमोशनली कहूँ, फाइनेंशियली कहूँ या फिजिकली कहूँ। टेम्परेंस मेरे को ये बता रहा है कुछ लोगों का यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। सो गाइज उस पर ध्यान रखो, बिकॉज उसमें अभी तो टाइम लगेगा। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको यहीं से वाइब्रेशंस जो एनर्जीज मेरे पास आती हैं मैं आपको उसी से बता देती हूँ। हैंग्ड मैन इन रिवर्स, डेफिनेटली मैंने आपको जैसे बताया कि आप स्टक थे अपनी लाइफ में, लेकिन आप अपने अंदर ही अंदर लड़ के आपने वो जीत हासिल करी है, वो मुकाम हासिल कर रहा है। फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए भी काफ़ी लोग मेरे को नज़र आ रहे हैं, आफ्टर ऑल द स्ट्रगल्स जो उन्होंने करी हैं फाइनेंशियली, जो उन्होंने फेस करा है फाइनेंशियल इशू। द सन डेफिनेटली अ पॉजिटिव कार्ड,
ओवरऑल वही बात है, अंत भला तो सब भला, कि आपका अगर आपने मेहनत करी है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या फाइनेंशियल लाइफ, स्पेशली मॉनेटरी वाइज अगर आपने करी है, तो भगवान का आशीर्वाद आपके पास है, आप लोग भगवान की नज़र में हो, आपकी बात बखूबी सुनी जा रही है, और डेफिनेटली आपको वो फ़ायदा होने वाला है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। ओके गाइस, एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, हैरोफेंट हमारा बॉटम ऑफ द डेक आया है, जो कि यही बता रहा है कुछ लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। सो गाइस, थोड़ा टाइम लगेगा अभी और। ओके गाइस, अगर गाइस आप चाहें तो आप मुझसे ट्विन फ्लेम सोलमेट की और किसी भी टाइप की रीडिंग आप मुझसे करवा सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल रीडिंग्स। ओके गाइस, एंड आइए बात करते हैं आप लोगों के लकी कलर और लकी नंबर की। सो वाटर साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए लकी नंबर होने वाला है नंबर 10। ओके गाइस, एंड आपके लिए लकी कलर होने वाला है क्रिम्सन। क्रिम्सन इज़ लाइट रेड, मतलब कम्प्लीटली रेड भी नहीं होता, कम्प्लीटली ऑरेंज भी नहीं होता, बट इट्स अ मिक्सचर। सो आपके लिए क्रिम्सन कलर एंड स्पेशली रेड कलर आप लोगों के लिए लकी होने वाला है, स्पेशली रेड कलर। सो रेड कलर मेरे को काफ़ी यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, तो रेड कलर तो गाइज आप ले लीजिए, क्रिम्सन नहीं बट या सॉरी रेड। तो आपके लिए लकी कलर होने वाला है रेड एंड लकी नंबर वुड बी नंबर 10। आइए देखते हैं ये नेक्स्ट 15 डेज वाटर साइंस के लिए, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो के लिए कैसे जाने वाली, किस टाइप की एनर्जीज होने वाली हैं। हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं, आइए देखते हैं। आपका पहला कार्ड है विमेन होल्डिंग अ कॉइन। डेफिनेटली मैंने आपको बोला फाइनेंशियल इशू हो सकता है आपको, जर्नी, आप किसी जर्नी में, वो भी मैंने आपको बताया ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन मेरे को यहाँ पे लग रहा है। एक्शन, डेफिनेटली एक्शन, हिम्मत जुटानी है और आपको एक्शन लेना है, सक्सेसफुल बी योर्स। आई डोंट नो वाई बट आई वॉन्ट टू सी बॉटम ऑफ द डेक सी डोर टू वैल्यू। डोर टू वैल्यू हमें ये बता रहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे अपने फाइनेंसिस पे, तो डेफिनेटली आपको अबंडेंट लाइफ मिलने वाली है, अबंडेंट लाइफ फुल ऑफ मनी विद नो फाइनेंशियल इशूज़। सो आपको एक्शंस लेना है, अपनी मेहनत करनी है फॉर नेक्स्ट 15 डेज एंड डेफिनेटली आपके आपकी मेहनत आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग वाटर साइंस के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना गाइस, प्लीज़ मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, सो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं आऊँगी आप लोगों के लिए और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।